और दोस्तों, आज हम ईसप की कहानियों में से एक और कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है बिल्ली के गले में घंटी। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वे चारों ओर उछल कूद करते हुए अपना पेट आराम से भर लेते थे और फिर जब उन्हें खतरा दिखाई देता तो बिल में जाकर छिप जाते थे। एक दिन उस घर में न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने उन चूहों को खाने के विचार से उसी घर में अपना डेरा डाल दिया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहा बिल से बाहर आता तो उसे मारकर खा जाता। अब तो बिल्ली रोज चूहे का भोजन करने लगी। इस प्रकार वो कुछ ही दिनों में मोटी ताजी हो गई। बिल्ली के आ जाने से चूहे तो बहुत दुखी हो गए। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती देख वे तो डर गए, भयभीत हो गए। चूहों के मन में बिल्ली का डर बैठ गया। बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव प्रपोजल जो है चूहों का सर्वसम्मति से सबकी मर्जी से पास नहीं हो सका। सभी चूहों में निराशा फैल गई। तब एक बूढ़ा चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, भाइयों सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ जिस पर अमल करके हमारी समस्या का हल निकल सकता है। यदि हमें कहीं से घंटी और धागा मिल जाए तो हम घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज़ हमारे लिए खतरे का संकेत होगी, एक सिग्नल होगी। हम घंटी की आवाज़ सुनते ही सावधान हो जाएंगे। वो हमारे लिए वार्निंग का काम करेगी और अपने अपने बिल में जाकर हम छिप जाएंगे जैसे ही घंटी की आवाज़ आए। बूढ़े चूहे का यह सुझाव सुनकर सभी चूहे तो खुशी से झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वे नाचने गाने लगे। चूहों का विचार था कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और वो फिर से बेखौफ निडर होकर घूम सकेंगे। तभी एक अनुभवी चूहे ने कहा, चुप रहो, तुम सब बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। तुम इस तरह खुशियां मना रहे हो जैसे तुमने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली। क्या तुमने सोचा है कि बिल्ली के गले में जब तक घंटी नहीं बंधेगी तब तक हमें बिल्ली से मुक्ति नहीं मिल सकती, छुटकारा नहीं मिल सकता। अनुभवी चूहे की बात सुनकर सारे मुंह लटका कर बैठ गए। उनके पास अनुभवी चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डर कर अपने अपने बिलों में घुस गए। ये थी कहानी। बच्चों, इस कहानी की शिक्षा क्या है, मॉरल क्या है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी प्लान करें या योजना बनाएं किसी समस्या का हल करने के लिए, तो समस्या का समाधान करने के लिए उन प्लान्स या योजनाओं पर अमल करना आवश्यक भी है और आपका प्लान जो है वो अमल करने लायक हो। तो ये है इसकी शिक्षा। तो दोस्तों, अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।